तो वेलकम टू दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर पे लैंडलाइन कैसे चलाई जाती है। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए एक लैंडलाइन फ़ोन जो मेरे पास पैनासोनिक कंपनी का है। ये फ़ोन आपको दिखा दें, ये पैनासोनिक कंपनी का एक कॉर्डलेस फ़ोन है जिसको हम लेकर आए हैं इसको चलाने के लिए। तो एयरटेल स्ट्रीम फाइबर पे आपको दिखा दें क्या क्या लगा हुआ है। एक पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी हर एयरटेल स्ट्रीम बॉक्स में जिस पर फोन लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लैन के पॉइंट है। और ये एयरटेल स्ट्रीम फाइबर मेरा वर्किंग कर रहा है, चल रहा है बिना किसी इशू के। इसमें एक फ़ोन का भी ऑप्शन है, तो बहुत ही आसान है। आपको मार्केट से एक मैंने कॉर्डलेस लिया है, जरूरी नहीं है कॉर्डलेस ले, आप नॉर्मल डिवाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। तो इस तरह का डिवाइस आएगा आपके पास पैनासोनिक का, और इस तरह का हैंडसेट इसके साथ आएगा। तो ये डिवाइस हम ले आए हैं मार्केट से, और करना कुछ भी नहीं है। इसमें दो पॉइंट दिए हुए, यहाँ दिखा सकते हैं आपको। एक पे RJ11 कनेक्टर है जो टेलीफोन लाइन का जुड़ेगा, और एक पे पावर लगेगी। तो इसके साथ हमें मार्केट से ये अडोप्टर मिला है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये आपको दिखा दें। ये अडोप्टर है हमारा इसका इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपल सा। इस इलेक्ट्रिसिटी वाले अडोप्टर को हम यहाँ पे इस जगह पे इंसर्ट कर देंगे, और इसकी केबल कुछ इस तरह से इसमें फिक्स करके हम बाहर निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से, ताकि ये हिले ना ये कनेक्टर। और दूसरी वायर जो हमारी है वो कुछ इस तरह से मिलेगी RJ11, इसको भी हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसर्ट कर देंगे इस जगह ऐसे, और इस वायर को भी इस तरह से निकाल लिया जाएगा। अब दोनों केबल्स लगकर तैयार हो गई है, और यहाँ पर जो कॉर्डलेस डिवाइस हमारे पास आई है इस पर अभी बेस ऑन पावर ऑफ आ रहा है, क्योंकि इसका बेस में पावर नहीं है। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये हमारी लैंडलाइन चलने के लिए शुरू हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल और वेरी इजी। आप देख सकते हैं यहाँ चार्जिंग लिखाने लग गया इस पर, ये देखिए चार्जिंग लिखाने लग गया, मेरा नाम आ गया है। और अभी एक एरर दे रहा है, चेक योर फोन लाइन। तो अभी तक हमने ये देखिए, यहाँ पर हमने टेलीफोन लाइन इसमें लगाई नहीं थी, तो इस टेलीफोन लाइन को हमें क्या करना है, इस टेलीफोन लाइन को लेकर हमें जो मेरा एयरटेल स्ट्रीम फाइबर बॉक्स है इसके इस फोन वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना केबल। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपका फोन चलना शुरू हो जाएगा। तो बेहतरीन और रीजनेबल सर्विस है दोस्तों एयरटेल स्ट्रीम फाइबर बॉक्स पे। आपको बता दें मैंने केवल 40 MBPS का प्लान लिया हुआ है, जो मैं 6th month का रेंट देकर केवल 3,000 रुपये वन टाइम देता हूँ, तो 6th month के लिए मेरी सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। और मेरा एयरटेल पे 40 MBPS अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड चलता है, और प्लस मुझे एक अनलिमिटेड लैंडलाइन फ्री मिलती है। अभी मैं आपको कॉल भी करके दिखा देता हूँ इस लैंडलाइन पे। अभी देखिए मैं अपने दूसरे फ़ोन से यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो टेलीफोन की लाइट है वो स्टेबल है, यहाँ पे जिस पे फोन लिखा हुआ है वो वाला इंडिकेशन स्टेबल है। जैसे हम इस पर रिंग आएगी ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अभी देखिए मैं अपने फोन से रिंग कर रहा हूँ, ये टेलीफोन वाली लाइट भी ब्लिंक होना शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यू टेलीफोन आ रहा है इस पे। तो बहुत ही सिंपल है ये काम करना। तो आप देख सकते हैं ये पैनासोनिक का डिवाइस है और मेरे कॉर्डलेस पे वर्किंग हो रही है। तो इसको हम फोन उठा भी सकते हैं और बात करना शुरू भी कर सकते हैं। देखिए ये मेरा कॉर्डलेस पे फ़ोन आ गया। आप नॉर्मल फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं,
और चाहे तो कॉर्डलेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सर्विस प्री इंस्टॉल है और पहले से ही लगी हुई है इसके पास, तो आप भी ये सर्विस का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।